हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो गाइस, आज तो रिजल्ट पे रिजल्ट आ रहा है। अभी दो तीन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है। इससे पहले भी मैंने एक जो आईबी का रिजल्ट था वो मैंने अनाउंस किया था, ठीक है। और अभी फिर से एक और रिजल्ट आया है, जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं या जहाँ के भी स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, ये बिहार से फॉर्म आया था। और ये जो फॉर्म था ये था CSBC से, ठीक है। CSBC आपको पता होगा, ये कांस्टेबल को चयनित करने के लिए अलग सा बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। और जो वैकेंसी जो था वो था पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार में वन रक्षी यानी फॉरेस्ट गार्ड का पद था। और ये टोटल 902 पोस्ट था, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम हुआ था 16/6/2019 को। और इसका जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो अब पब्लिश कर दिया गया है। और अभी जो 902 टोटल वैकेंसीज था उसका दोगुना स्टूडेंट को चयनित किया गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मैं नीचे जाऊँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। आसानी से आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल रिक्तियाँ जो है वो है 902। और आपको यहाँ फिर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, ठीक है, किसके कितने रिक्तियाँ थी। अगर मैं सामान्य यानी अनारक्षित वर्गों के बात करूँ तो इसमें पुरुष महिला और जो भी है सबको मिलाकर 451 थे। उसी तरह से अनुसूचित जाति 145, अनुसूचित जनजाति 9 पोस्ट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 162 पोस्ट था, पिछड़ा वर्ग के लिए 108 था, ठीक है। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए स्पेशल जो 3% सीट था वो था 27। तो ये वैकेंसीज था और इसके डबल लोगों को चयनित किया गया, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये 1804 पोस्ट पे चयनित किया गया है, ठीक है। 1804 लोगों को चयनित किया गया 902 पोस्ट के लिए, ठीक है। यानी सीधा डबल इसमें किया गया है। इसमें पुरुष टोटल जो यूआर के हैं अनरिजर्व्ड हैं उसमें पुरुष 996 है, महिला 306 है। और टोटल अगर योग देखो दोनों को जोड़ के तो 902 पड़ता है, ठीक है। पुरुष और महिला का अगर बात करें अनुसूचित जाति में, तो अनुसूचित जाति में 182 है पुरुष और 108 है महिला, टोटल 290 हो गया। और अगर अनुसूचित जनजाति का बात करें तो इसमें 12 पुरुष है, 6 महिलाएं, टोटल 18 हो गया, यानी दोगुना दोगुना सब में किया जा रहा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसमें 204 पुरुष, 120 महिला और योग हो गया 324। और पिछड़ा वर्ग अगर बात करें तो 144 पुरुष, 72 महिला और योग हो गया 216। और 3% जो महिलाओं को रिजर्वेशन मिला हुआ था इसमें 27 वैकेंसी है, तो 54 सीट इसमें भी रिजर्व किया गया, यानी इसमें ऑलमोस्ट दोगुना इसमें भी है, ठीक है। यानी सब में दोगुना चुना गया है। अब क्या होना है आगे, अब आगे इनका जो शारीरिक परीक्षण है दक्षता यानी PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो होना है, ठीक है। और पेट का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे नीचे आप जब PDF डाउनलोड करोगे तो नीचे आपको सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का रोल नंबर वाइज रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम है नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप रिजल्ट डाउनलोड करके अपना रोल नंबर सर्च करके देख सकते हो आपका रिजल्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है।